हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू मेक पेंटिंग एस्टिमेशन कैलकुलेटर इन एक्सेल। दिस विल बी द कैलकुलेटर। ये हमारा कैलकुलेटर है। हम सीखेंगे पेंटिंग का एस्टिमेट एक्सेल शीट पे कैसे निकालते हैं और उसका हम कैलकुलेटर बनाएंगे ताकि हम कोई भी क्वांटिटी मेंशन करें तो हमें इजीली उसका एस्टिमेट मिल जाएगा। सिर्फ हमें एरिया मेंशन करना है। एक ब्लैंक शीट हम क्रिएट करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे हम। ये फॉर्मेट में मेंशन एरिया, ये सेल में हम एरिया डालेंगे। जो भी हमारा एरिया होगा वो स्क्वायर फीट में होगा। जो एरिया का हमें कैलकुलेट करना है पेंटिंग मटेरियल, वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। ये होगा हमारा लेबर रेट। लेबर रेट हर जगह अलग अलग हो सकता है, आप अपने एरिया के हिसाब से एक लेबर रेट डाल सकते हैं। और ये होगा लेबर प्रोडक्टिविटी पर स्क्वायर फीट। अभी हम मटेरियल्स, पेंटिंग में लगने वाले मटेरियल्स हम मेंशन करेंगे। पहला होगा पुट्टी, पहले कोट के लिए। दूसरा सेकंड कोट पुट्टी का प्राइमर और लास्ट पेंट फर्स्ट कोट और पेंट सेकेंड कोट। सेकेंड होगा उसका, ये हर मटेरियल का कवरेज एरिया। कवरेज केजी में हो सकता है या लीटर में। पुट्टी हमारा जनरली केजी में होता है और लीटर्स में हमारा प्राइमर और पेंट होता है। सबका कवरेज एरिया हम उसके साइड में मेंशन करेंगे। ये कवरेज एरिया डिफर हो सकता है सब पेंट टाइप ऑफ पेंट, टाइप ऑफ मटेरियल, क्वालिटी और सरफेस एरिया जो हम जिस पे यूज करने वाले हैं उसमें कवरेज थोड़ा चेंज हो सकता है। टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड यूनिट्स रेट पर केजी पर लीटर, मटेरियल कॉस्ट, लेबर हमें एंटर कंसिडर करने हैं और उसके साथ में हेल्पर्स। तो ये सब कॉलम रेडी होने के बाद हम इन मटेरियल्स का कवरेज एरिया मेंशन करेंगे। कवरेज एरिया हमने प्रैक्टिकल अजम्पशन से, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन से हमने डिराइव किए हैं। ये थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। पुट्टी हम पर स्क्वायर फीट, पर केजी 20 स्क्वायर फीट हम कंसीडर करते हैं। सेकेंड कोट पुट्टी 1 केजी, प्राइमर 120 स्क्वायर फीट, पुट्टी 20 स्क्वायर फीट, सेकेंड कोट पुट्टी 10 स्क्वायर फीट, प्राइमर 120 स्क्वायर फीट, पेंट फर्स्ट कोट 100 स्क्वायर फीट और सेकेंड कोट पेंट 70 स्क्वायर फीट। ये हमारा कवरेज हो गया पर केजी और पर लीटर। मटेरियल रिक्वायर्ड निकालने के लिए हम सेल में एरिया डिवाइड बाय कवरेज करेंगे।
हमारा मटेरियल निकल आएगा, हमें ये एरिया के लिए कितना मटेरियल चाहिए। हर सेल में एरिया डिवाइड बाय कवरेज, ये हो गया हमारा 100 स्क्वायर फीट के लिए लगने वाला मटेरियल। यूनिट के कॉलम में हम उसका यूनिट्स लिखेंगे, टी का होगा जी, हैमर का होगा मीटर, रेट हमने अज्यूम किया है पुट्टी का टी के 30 रुपीज केजी, हैमर का किया है 150 रुपीज पर लीटर और पेंट का किया है 180 रुपीज पर लीटर। अगेन रेट भी चेंज हो सकता है लोकेशन वाइज, क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड ब्रांड। मटेरियल निकालने के लिए हम मटेरियल कॉस्ट के कॉलम में टाइप करेंगे इज इक्वल टू मटेरियल रेट पर केजी टू मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड को हम हाईलाइट करेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड मटेरियल रेट पर केजी इंटू मटेरियल रिक्वायर्ड, ये होगा हमारा मटेरियल का टोटल कॉस्ट। इंटर के लिए हमने कोएफिशिएंट पकड़ा है 0.04, से हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ इंटर्स ये काम के लिए लगने वाले हैं वो हमें मिलेंगे। हेल्पर के लिए हमने पकड़ा है 0.02, हेल्पर्स के कॉलम में हम इज इक्वल टू करेंगे एरिया डिवाइड बाय 10.76 इंटू 0.02।
अब हम उसकी समरी बनाएंगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट और मिसिलेनियस कॉस्ट। मिसिलेनियस कॉस्ट में हमारा टेप हो सकता है, ब्रश हो सकता है या कोई भी मटेरियल। मटेरियल कॉस्ट के लिए हम इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन करेंगे, मटेरियल कॉस्ट की पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा। लेबर कॉस्ट के लिए हम इज इक्वल टू करेंगे एरिया सिलेक्ट करेंगे, एरिया इनटू लेबर रेट। मिसिलेनियस कॉस्ट में हम रैंडमली 1000 रुपीज कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसकी एंड टोटल करेंगे, टोटल कॉस्ट इन रुपीज, सम ब्रैकेट ओपन, टोटल सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये हमारी हो गई फाइनल टोटल फिटिंग कॉस्ट फॉर 100 स्क्वायर फीट। टोटल पेंटर्स हम कैलकुलेट करेंगे और हेल्पर इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सारे पेंटर्स हम सिलेक्ट करेंगे सेम हेल्पर के लिए, तो ये हमारी शीट रेडी हो गई है। अब हम इसे कोई भी एरिया मेंशन करके एक एस्टीमेट निकाल सकते हैं। ये थोड़ा देखिए, अभी हमने 500 स्क्वायर फीट मेंशन किया, सारे क्वांटिटीज अपने आप चेंज हो गए और अपने आप कैलकुलेट हो गए। आप कोई भी एरिया डाल सकते हैं, आपको हमेशा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैलकुलेटर बहुत हेल्पफुल होगा सबके लिए, आप इसे बना के रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, तो आपको फ्यूचर में काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।